जो दोनों थे वो डिसेंट बैट्समैन है, वो बैट कर सकते हैं, आईपीएल में भी करते हैं जो, तो उनके वही बोला मैंने कि उनको फेथ दिखाना जरूरी था और उन्होंने अच्छी बैटिंग की। सर नेचुरली इसका कोई एग्रेसिव होता नहीं है सर, अब मैं आईपीएल में आपने श्योर आपने देखा होगा वो डिमांड क्या करता है, जब भी मैं बैटिंग करने आता था जब 15 बॉल पे 35 40 उसमें वहाँ पर तो डिफेंस नहीं कर सकता ना, अब सिचुएशन ये आती कि यहाँ पर मेरे को बैट करना है, लंबा बैट करना है तो मार मार के तो नहीं कर सकता ना, रिस्क है। तो वही है कि जितना जितना आप विकेट पर टाइम स्पेंड कर सकता था मैंने किया। सर ऑब्वियसली हार्डवर्क तो एक बड़ी चीज़ है, लेकिन मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ विजुलाइजेशन मैनिफेस्टेशन का। जो भी मैच आता है उससे पहले मैं एक दो हफ्ते पहले प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता हूँ, उनकी बॉलिंग लाइनअप देखता हूँ कि कौन बॉल डालेगा, मैं कैसे खेल सकता हूँ उनको, पूरा सिनेरियो बना के। तो मेरे को सर बहुत हेल्प करता है। सर विजुलाइज यही किया था कि जो भी बॉलर बॉलिंग लाइनअप है, जैसे एंडरसन हो गया, ऑब्वियसली मार्क वुड, हार्टले, और जो भी बॉल डालेगा मैं एरियाज क्या, उनकी बॉलिंग वीडियोस देखता हूँ, मेरी एरियाज क्या है, वो कहाँ पर बॉल डालते हैं, मैं कहाँ पर उनको टेक ऑन कर सकता हूँ। सर वो ऑब्वियसली मेरे फादर के लिए था, वो मेरे कारगिल वेटरन थे मेरे पापा, तो उनके लिए था क्योंकि कल शाम को उनसे बात भी हुई थी, तो वो इनडायरेक्टली बोले थे बेटा एक बार सैल्यूट तो दिखा दे क्योंकि मैं बचपन से वही करते आ रहा हूँ, तो सर वो उनके लिए था। सर अब तो पता चलेगा, अभी तो बात नहीं हुई, पापा से बात करूंगा कैसा फील हो रहा है, मेरे को तो अच्छा ही फील हो रहा है, अब देखो उनकी फीलिंग क्या होगी। सर ऑब्वियसली बहुत अच्छा माहौल था कि बचपन से सपना देखा है और आपने जो बोला ताने मारे हैं तो सबके मुंह बंद हो गए सर, तो अच्छा लगता है कि हाँ मेरे पापा मेरे पास मेहनत करते रहे, तो एक वर्थ इट है कि सर मेरे पापा ने मेरे पे बिलीव दिखाया। सर ऑब्वियसली वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, उनका जो बॉलिंग स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है सबसे, कि मतलब इसलिए इतने सारे विकेट ले, थोड़ा सा टफ तो होता है लेकिन चैलेंजेस से मेरे को फन आता है, मतलब जितना भी चैलेंजर हो चैलेंजिंग हो तो मेरे को अच्छा लगता है कि मैं चैलेंज लेके अपने ऊपर और करूँ उस चीज़ का। सर जो मैंने देखा था कि विकेट थोड़ा लो बाउंस था, तो ऑब्वियसली स्क्वायर ऑफ द विकेट रन बंद हो जाते हैं, मेरे को लगता था कि सामने सीधे फेस से खेलूँ तो उतना बेटर है, तो वही था कि लो रह रहा था, ये सब कॉन्शियस माइंड में डाला मैंने कि लो रह रहा है तो मैं रेडी रहूँ उसके लिए और जितना वो स्ट्रेट खेलना देखो। सर अच्छा है कि हमने उनको अच्छी टारगेट पर रोक लिया, अब रोहित भाई और जस्सू बैटिंग कर रहे हैं, होपफुली हम 9 विकेट लॉस से जीते, तो अच्छा था सर। अब वही है सर, आइडिया मिल गया था कि जैसे बेन फोक्स ने कीपिंग करी तो लो हो रहा था, इजी नहीं होता सर, तो वही था कि लो रहेगा तो मैं रेडी था उस चीज़ के लिए, थोड़ा स्टांस थोड़ा चेंज किया था, तो सर वही अडेप्ट करना पड़ता जितना जल्दी हो सके। सर प्रेशर तो जब मेरे डेब्यू सीरीज है ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो रहता ही है, बस ये है कि जब अंदर गया था तो टीम को क्या नीड है, वही सोच रहा था कि मैं जितना यहाँ पर रहूँगा और टीम का थोड़ा रन बना सकूँगा तो उतना मेरे लिए बेटर है। नहीं नहीं बस यूपी से आते दोनों, तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोनों में, बात कर रहे थे, डोमेस्टिक क्रिकेट भी बहुत साथ, तो हेल्पफुल था सर बहुत ज़्यादा। सर सच बताऊँ तो बिल्कुल अफसोस नहीं है क्योंकि मेरी ये पहली टेस्ट सीरीज़ है, मेरे को बस ये है कि मैं डेस्परेट हुई ये जो ट्रॉफी मैं अपने हाथों से उठाऊँ, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट खेलना बचपन से एक बहुत बड़ा सपना था मेरा। ऑब्वियसली अच्छी फीलिंग है कि सुनील गावस्कर लेजेंड्स हैं सर, तो वो मेरे लिए बोल रहे हैं इतना, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ माहौल बहुत अच्छा है, जब मैं अंदर गया था ऐसा कुछ था नहीं, जस्ट गो एंड प्ले, जस्ट वॉच द बॉल एंड प्ले, बस यही था कि जितना लंबा खेल सकूँ उतना बेटर होगा। प्लान ऐसा सच कुछ नहीं था, बस ये था कि कॉन्फिडेंस और फेथ दिखाना ज़रूरी है, एंड आई हैव टू टेल देम दैट यू कैन बैट, तो वही वाली चीज़ थी, वही अच्छा प्लान किया था और अच्छा वर्कआउट हुआ वो। नहीं आई गेस जो दोनों थे डिसेंट बैट्समैन है, वो बैट कर सकते हैं, आईपीएल में भी करते हैं जो, तो उनके वही बोला मैंने कि वो उनको फेथ दिखाना ज़रूरी था और उन्होंने अच्छी बैटिंग की। सर नेचुरली इसका कोई एग्रेसिव होता नहीं है सर, अब मैं आईपीएल में आपने श्योर आपने देखा होगा वो डिमांड क्या करता है, जब भी मैं बैटिंग करने आता था जब 15 बॉल पे 35 40 उसमें वहाँ पर तो डिफेंस नहीं कर सकता ना, अब सिचुएशन ये आती कि यहाँ पर मेरे को बैट